रियल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेमिनी ऐप क्या है और इस ऐप को आप अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस ऐप को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं आपके सामने ऐप ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है। दोस्तों ये एक फोटो एडिटर एप्लीकेशन से, इस एप्लीकेशन से आप यहाँ पे फोटो एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन से फोटो कैसे एडिट करें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों ऐप ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन को यहाँ से आपको ओपन करना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप सिंपली एक क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो फोटो कैसे एडिट करें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ऐप ओपन करेंगे छोटी सी ऐड आएगी, ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज करना है। जैसे ही ऐड को क्लोज करेंगे उसके बाद में फिर से एक छोटी सी ऐड आएगी, ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज करना है। दोस्तों अगर इस ऐप में आप प्रीमियम लेते हो तो आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी। आप प्रीमियम अगर नहीं लेते तो आपको छोटी छोटी ऐड आप में बीच में आती रहेगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऐड आएगी, सिंपली ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज करना है। उसके बाद में यहाँ पर कोई फिर से छोटी सी ऐड आएगी, ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज करना है। उसके बाद में आपको फोटो को एडिट करने के लिए सिंपली यहाँ से अपनी गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक छोटी सी फिर से ऐड आ जाएगी। इस ऐड को सिंपली यहाँ पर आपको पूरा वॉच करना है। यहाँ पर 30 सेकंड की ऐड आई है, इस ऐड को आपको पूरा वॉच करना है। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 सेकंड की ऐड आई है तो आपको एक काम पूरी ऐड को यहाँ पर स्टार्ट 30 सेकंड से लेकर यहाँ पर 1 सेकंड तक इस ऐड को यहाँ पर पूरा वॉच करना है। तो मैं इस ऐड को यहाँ पर पूरा वॉच करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है। इस ऐड को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज का ऑप्शन आ गया तो इस ऐड को सिंपली यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको भी सिंपली ऐड को क्लोज का ऑप्शन आए तो ऐड को सिंपली यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको पहले तो बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर यानी कि पहले वाला ऐसे फोटो है। अब इसको आफ्टर में करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पहले फोटो ऐसा है। अब मैं इसको एडिट करने के लिए सिंपली आपको इसको यहाँ पर इस तरफ लाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके आफ्टर के टाइम में ये फोटो इतनी शानदार यहाँ पर एडिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो यहाँ पर एडिट हो चुका है। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पर बीच में जो लाइन थी उसको यहाँ पर मैंने इस तरफ यहाँ पर खसकाया। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो पे बहुत अच्छी शानदार क्वालिटी में एडिट हो चुका है। मैंने कोई भी यहाँ पर नहीं किया। उसके बाद मैं सिंपली फोटो को एडिट करके अपनी गैलरी में सेव करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करना है। ऊपर की तरफ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके बाद में आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो फोटो रहेगा वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस ऐप को अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।